एक बार पूछकर तो देखो। अरे ऐसे अचानक पूछना अच्छा भी तो नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है, ऐसे तरसते रहना कोई अच्छा लग रहा है? हेलो अंकल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, पूछो ना जो पूछना चाहते हो। एक्चुअली बेटा मुझे ये पूछना था, तुम्हारे इस लैपटॉप में फेसबुक है क्या? अरे अंकल इतनी सी बात, इस बात पे इतना परेशान होने वाली क्या बात थी? बताइए अंकल आपकी आईडी क्या है? मेरी तो कोई आईडी नहीं है, पर तुम बना दो। लीजिए अंकल अभी बना देता हूँ। किस नाम से बनानी है आईडी? प्रिया नेगी के नाम से बना दो। लीजिए अंकल आईडी तो बन गई आपकी, लेकिन अब प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए एक फोटो चाहिए होगी। बताइए किसकी फोटो लगानी है? किसी हीरोइन की फोटो लगा दो। किसी हीरोइन की? किसी की भी लगा दो तुम। लीजिए अंकल आपकी प्रोफाइल बन गई। अब हम किसी की भी फोटोज देख पाएंगे? हाँ जी, बताइए किसकी प्रोफाइल देखनी है? प्रवीण खुराना। अंकल यहाँ ना बहुत सारे प्रवीण खुराना है, आप जानते हैं जिसको? हाँ हाँ, ये वाला। अंकल इनकी प्रोफाइल शायद मुझे लगता है ओनली फ्रेंड वाली है। मतलब? मतलब अंकल इनको आपको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इनकी फोटो एल्बम देख सकते हैं। तो भेज दो रिक्वेस्ट। मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्सेप्ट करेगा। मैं पूछता देखो बेटा कर ली क्या उसने एक्सेप्ट? अभी नहीं की अंकल। अरे देखो तो बेटा एक बार। अभी नहीं की। देखो बेटा ध्यान से। कर ली होगी। देखो एक बार, आप देखो तो सही बेटे। जब वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। कहाँ? यहाँ। यहाँ पे? हाँ जी। अरे अंकल उन्होंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, देखिए नोटिफिकेशन आ गया। क्या अब हम इनकी फोटो एल्बम देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए। वो देखो तिशी का बर्थडे। रावण को कैसे मारा? रावण बहुत बड़ा और बहुत भयानक था, उसमें बहुत ताकत थी, पर राम जी के पास अच्छाई की ताकत थी। राम जी ने एक बहुत बड़ा तीर कमान लिया जी।
इतना लेट हो गया बेटे। थोड़ा टाइम का ध्यान रखा करो तुम लोग। ना पापा हम कोई बात नहीं बेटा, हम कल ही मिश्रा जी के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, हम पासी में सारी जिंदगी हमने एक कमरे के गवर्नमेंट फ्लैट में दो बच्चों के साथ गुजार दी। इनके तीन कमरों के फ्लैट में हमारे लिए कोई जगह नहीं। बस कृष्णा, हमारा टाइम अलग था। और ठीक ही तो कह रही है सुमन, इससे हम ही तो डिस्टर्ब होंगे ना। और इनकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है। बेटा तुम कोई अफसोस मत करना, बस तुम तिशी का ध्यान रखना। अंकल, इनकी फोटोज अब खत्म हो गई हैं।